इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्तार अंसारी जो कि बांदा की जेल में बंद था और लगातार 2 साल से जेल में था, उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है आपसे कुछ देर पहले हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। दुर्गावती अस्पताल में उसको ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हम आपको बता दें कि पिछले 2 साल से मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद था और उसके खिलाफ 65 से ज्यादा मामले चले थे, जिसमें अपहरण, हत्या, रंगदारी और तमाम और ऐसे हीनेस क्राइम के मुकदमे थे, जिसपे उसकी पुलिस से लगातार जांच हुई। उसके बाद अदालत ने उसको इन 65 मुकदमों में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी और इस पूरे मामले में 12 से ज्यादा मुकदमे ऐसे थे जिसपे मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो सजा का ऐलान किया गया था, और इन्हीं सब मामलों में वो उम्र कैद की 2 बार सजा पा चुका था और साथ ही साथ बांदा की जेल में इस वक्त बंद था। आपको यह भी बता दें, कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी ने अपने वकीलों के जरिए आशंका जताई थी कि उसको खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो सकती है और इसकी साजिश की जा रही है। कुछ दिन पहले यानी आपसे 2 दिन पहले उसकी हालत खराब हुई थी, तब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उसके भाई बाद में अफजाल अंसारी वहां जाकर के देख करके आए थे और कहा था कि उसकी हालत में सुधार हुआ है। उसके बाद वापस उसको बांदा जेल भेज दिया गया था, लेकिन आज शाम अचानक से बैठे बैठे उसको चक्कर आया और वो गिर गया। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और उसमें पाया गया कि उसकी हालत बिगड़ रही है। दुर्गावती अस्पताल में जब उसको ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने इलाज किया और उसके दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 9 डॉक्टरों की एक टीम ने उसकी जांच की और इस जांच के बाद उसको उसकी हालत स्थिर नहीं हुई और आखिर में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिलहाल ये सियासत के लिहाज से भी बड़ी खबर है और अपराध के इतिहास से भी, क्योंकि उससे कुछ वक्त पहले अभी अतीक अहमद की हत्या हुई थी और उस पर जो यूपी सरकार है वो निशाने पर थी और आशंका जताई जा रही थी मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से कि कहीं उसके खिलाफ कोई साजिश न हो। हालांकि इसमें डॉक्टरों के पैनल ने इसकी जांच की और साफ तौर पर कहा है कि कोई फॉल प्ले नहीं है और इसमें इलाज के दौरान ही मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई है इसके सियासी मायने भी बहुत सारे हैं और इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने मऊ, गाजीपुर और बांदा जिले में धारा 144 लगा दी है। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में डीजीपी और तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिससे स्थिति का जायजा लिया जा सके और किसी भी तरीके की अव्यवस्था न हो। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है जिसमें मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ रही है और इसी के साथ पूर्वांचल के बड़े बड़े माफिया उनका लगभग खात्मा हो गया, क्योंकि जितने भी नाम थे या तो वो जेल में बंद हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। और इसी के साथ मुख्तार अंसारी का जो सालों से अपराध का, जो खौफ का साम्राज्य था, उसका भी अंत हो गया है।